परमेश्वर कबीर साहब जी महाराष्ट्र के पंढरपुर के पास एक आश्रम बनाकर सत्संग किया करते थे। सत्संग में ज्ञान की बातें बताते थे जो सभी लोगों को बहुत अच्छी लगती थी। श्रद्धालु लोग कबीर साहिब जी के ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने लगते थे। धीरे धीरे उनको को भक्ति करने से बहुत से चमत्कार भी होते थे। कबीर साहब जी के सत्संग समागम में लोग बड़ी उमंग से आते थे। उन्हीं भक्तों में से एक भक्त का नाम रंका था। रंका भगत जी एक सच्चे सेवक थे। उनकी पत्नी बंका तथा बेटी अवंका भी भक्ति किया करती थी। उनका परिवार बहुत निर्धन था। दोनों पति पत्नी जंगल से सूखी लकड़ियां तोड़कर लाते थे और उनको शहर में बेचकर अपना घर चलाते थे। उस काम में वो बहुत ही मेहनत किया करते थे। कबीर साहिब जी के साथ में नामदेव नाम के एक भक्त रहते थे तथा वे भी कबीर जी के शिष्य बन गए थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरुदेव कबीर जी से प्रार्थना की और बोले, हे गुरुदेव, आपके भगत रंका बहुत निर्धन है। ये जंगल से लकड़ियां तोड़ कर लाते हैं और उसको शहर में ले जाकर बेचते हैं। वहां से धन इनको प्राप्त होता है और उससे ये अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। इनका शरीर भी बहुत कमजोर हो गया है, पूरा दिन मेहनत करने में लगे रहते हैं, इसलिए भक्ति करने का समय भी बहुत ही कम मिलता है। इनको कुछ धन प्रदान कीजिए ताकि इनका निर्वाह ठीक से हो सके। कबीर साहिब जी ने कहा, भक्त नामदेव, मैंने इनको धन देने की बहुत बार कोशिश की परंतु ये लेते ही नहीं। हे गुरुदेव, आप फिर से धन दीजिए, ये अब की बार अवश्य लेंगे। बड़े दुखी है दोनों। ठीक है बेटा, समय आने दो। एक दिन रंका और बंका रोजाना की तरह जंगल से लकड़ियां सिर पर लेकर आ रहे थे। जिस रास्ते से वे दोनों आ रहे थे तो कबीर जी अपने शिष्य नामदेव जी को साथ लेकर उसी रास्ते पर आ गए। उन्होंने रास्ते के बीच में कुछ सोने चांदी के आभूषण तथा कुछ अशरफियां डाल दी और स्वयं दोनों किसी झाड़ी के पास जाकर छुप गए और उनके आने का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद रंका लकड़ियां सिर पर लेकर आगे आगे चल रहा था। उनकी पत्नी बंका भी पीछे पीछे लकड़ियां लेकर आ रही थी। अचानक रंका की नजर नीचे पड़ी। उसने देखा कि सोने चांदी के आभूषण तथा अशरफियां पड़ी हुई है। अरे, इस घने जंगल में ये किसका धन गिर गया है? यहाँ तो कोई भी आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। ये धन जिसका भी होगा ऐसे हम प्रयोग भी नहीं कर सकते, लेकिन मेरी पत्नी मेरे पीछे पीछे आ रही है। कहीं उसकी नजर इन पर पड़ गई तो वो भक्ति में विचलित हो सकती है, क्योंकि स्त्री को आभूषण बहुत प्रिय होते हैं। कहीं उसके मन में लालच आ गया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। ये विचार करके सारे धन को छुपाने के लिए उस पर पैरों से मिट्टी डालने लग गया। बंका की नजर अपने पति की गतिविधियों पर पड़ी तो उसे बात समझते देर न लगी और दूर से ही कहने लगी, चलो चलो भगत जी, मिट्टी पे मिट्टी क्यों डाल रहे हो? हाँ हाँ, चलो घर चलते हैं, आज तो बहुत देर हो गई। फिर दोनों पति पत्नी उस सारे धन को लांग कर घर चले गए। देख लो नामदेव, अब मैं क्या करूं, ये धन लेते ही नहीं। नामदेव जी को भी एहसास हो गया कि उनके लिए ये धन तो मिट्टी के समान है। वास्तव में धन तो राम नाम की भक्ति का धन होता है जो कभी भी नष्ट नहीं होता। ये इतना निर्धन होते हुए भी भगवान के दिए में खुश थे, अपनी कोई इच्छा नहीं रखते, केवल भक्ति को आधार बनाकर अपने जीवन यापन कर रहे हैं। ये वास्तव में परम भक्त हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता न कोई, धनवंता सोई जानियो, राम नाम धन होए।